एग्जाम तो आपके खत्म हो गए बट मेन आपका काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स अब हो जाते हैं जो कि आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए और आपके एडमिशन के लिए बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप इन स्टेप्स पे अच्छे से डिटेल रिसर्च करते हैं और इन स्टेप्स को एक बार ध्यान देते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। जो भी स्टेप्स हैं वीडियो के लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना, अच्छे समझना और इन स्टेप्स को अप्लाई भी करना, बस ऐसे नहीं सुन के निकाल दो, इनको अप्लाई भी करना और इनके ऊपर एक बार रिसर्च भी करना, तो आपके लिए और आपके एडमिशन के लिए बहुत सारी अच्छी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा कोर्स। आपको क्या करना है, आपके कोर्स के बारे में रिसर्च करनी है कि किस किस कोर्स में आप एलिजिबल हो, किस किस कोर्स में एलिजिबल नहीं हो, कौन से टॉप कोर्स हैं। टॉप कोर्स के भी अलावा कोर्स होते हैं जो कि आपको पता ही नहीं होते, क्योंकि आपने मतलब मेन कोर्स ही सुने होते हैं तो आपको बाकी कोर्सेज के अलावा कैसे पता चलेगा। एक बार आपको क्या करना है, जितने भी कोर्स आप एलिजिबल हो या ना हो एक बार उनके बारे में रिसर्च तो करो कि आपको पता चले। मेन कोर्स के अलावा भी कोर्स होते हैं बट आपको वो सुनाई नहीं देते, कुछ बताता नहीं है या ज़्यादा उसकी बात नहीं करता, बट उसके अलावा भी कोर्सेज होते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जो भी रास्ते हैं उनको मैक्सिमाइज करना है कि एक बार पता चले ऐसे भी कोर्स होते हैं और ये तरह के भी कोर्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने ज़्यादा कोर्स हो सके बस आपको क्या करना है, उन सब के बारे में रिसर्च करना है और इस टाइप से आपको पता चलेगा इसके अलावा भी कोर्सेज होते हैं और इन सब में भी मैं एलिजिबल हूँ तो मैं अपने रास्ते मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जो भी कोर्स हो जाता है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो कि भाई इस कोर्स के बाद स्कोप क्या है, मतलब इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और बाद में मेरे को क्या ये कोर्स हेल्प करेगा, मतलब मेरे को किस टाइप की जॉब दिला सकता है या किस टाइप की रिसर्च फील्ड में मेरे को ले जा सकता है। सपोज एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि BSc हम स्टैटिक ऑनर्स करते हैं तो मतलब उसमें आपको पता चलेगा कि इसके बाद मैं डेटा एनालिसिस डेटा रिसर्च में जा सकता हूँ तो ये मेरी इस टाइप से हेल्प कर सकता है। तो आपको इन सब कोर्स के बारे में रिसर्च करनी है, ना कि सिर्फ आप कोर्स का नाम सुन लेते हो कि मतलब मेरे को फिजिक्स ऑनर्स करना है तो मेरे को फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, मैथ ऑनर्स करना है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी उस कोर्स में समझिए कि वो कोर्स आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, इसके अलावा उस कोर्स में क्या पढ़ना पड़ेगा और मेरा किस कोर्स में इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, मतलब मेरे को क्या परस्यू करना चाहिए, कौन सा कोर्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरे लिए और मेरे आने वाले टाइम के लिए। इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको कोर्स से रिलेटेड रिसर्च करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने यूट्यूब पे सुन लिया टॉप कोर्स ये है तो इसमें मेरे को मतलब फिल करना चाहिए, वो तो बात सही है कि वो टॉप कोर्स हैं तो अच्छे ही होंगे बट उसके अलावा भी चीज़ है कि उसमें क्या है, ऐसा क्यों है, वो भी चीज़ तो रिसर्च करो कि आपको भी पता होना चाहिए बेसिकली कि उस कोर्स में है क्या, उसके बाद क्या फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है कोर्स रिलेटेड। और एक और चीज़ है कि आप ऑनर्स के कोर्स रिसर्च कर ही रहे हो तो प्रोग्राम के भी कोर्स देखो कि उसमें ऐसा क्या है जो ऑनर्स में नहीं है, ऑनर्स में ऐसा क्या है जो प्रोग्राम में भी नहीं है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं अपने कोर्स रिलेटेड एक बार फाइंड करो, थोड़ा टाइम लगाओ बट आपको पता चले। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। अब आपको कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है, कॉलेज के बारे में आपको क्या क्या रिसर्च करना चाहिए वो समझते हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत इतना पता होना चाहिए कॉलेज आपकी कौन सी सिटी में है, मतलब कौन से लोकेशन में लाई कर रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा नॉर्थ कैंपस में है तो मतलब नॉर्थ दिल्ली में होगा तो मतलब उसकी सिटी कौन सी हो जाती है वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। साउथ कैंपस में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो वो दिल्ली की कौन सी सिटी में या मतलब कौन से लोकेशन में आपको मिलता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप अपने घर में भी अच्छे से क्लियर मेंशन कर सको ये मेरे कॉलेज का लोकेशन एड्रेस इस टाइप से है। इतना करने के बाद आपको ये भी रिसर्च करना चाहिए कि ठीक है टॉप कॉलेज आपको पता है पर टॉप कॉलेज के अलावा भी अच्छे कॉलेज होते हैं, डिसेंट कॉलेज होते हैं और टॉप कॉलेज के बराबर के ही कॉलेज होते हैं, बट आप सिर्फ नॉर्थ कैंपस का ही सुनते हो तो आपको लगता है बाकी कॉलेज है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितने कॉलेज हैं सारे कॉलेज एक बार रिसर्च करो और पता करो कि इनमें से इनमें खास क्या है, इनमें ऐसा नहीं है तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। थोड़ा बहुत आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। और ऐसी बात नहीं होती है कि जितना आप सिर्फ चार पांच टॉप सुनते हो तो वही अच्छे होते हैं, उसके अलावा भी अच्छे होते हैं बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनकी बात ही नहीं होती तो आपको पता नहीं चलता है कि ये भी अच्छे हैं, इसमें भी एडमिशन मिलता है तो कोई गलत बात नहीं है, बट क्या होता है कि मेन हाईलाइट में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो वही आपको करना है कि सभी चीज़ों को रिसर्च करना है कि इतने सारे कॉलेज हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज नहीं है, कौन से कॉलेज की लोकेशन क्या है, कौन सा कॉलेज किस लिए बेस्ट है। तो कम से कम आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे आपको आइडिया तो होगा कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट क्यों है। इसके बाद आपको एक स्टेप फॉलो करना है कि आपको पता चलता है कि साइंस के लिए हमारे हिंदू, हंसराज, रामजस इस टाइप से कॉलेज फेमस है, मतलब टॉप कॉलेज हो जाते हैं, और हमारे बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC एकदम टॉप कॉलेज है, बाप कॉलेज है। तो आपको ये पता करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि SRCC ही बीकॉम ऑनर्स के लिए एकदम टॉप कॉलेज है, मतलब जो आपको इसके बीच का वाई हो जाता है ना वो फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको यही चीज़ बताया जा रहा है कि ये टॉप कॉलेज है। तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका कॉलेज ये टॉप में क्यों आ रहा है, क्यों बाकी कॉलेज नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा खास बात क्या है, क्या स्पेशल प्रोवाइड कर रहा है, कुछ तो प्रोवाइड कर रहा होगा भाई तभी तो नंबर 1 पे आ रहा है।
तो जब आपको ऐसे कुछ टॉप चीज पता चले तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आप उस चीज पे रिसर्च करो कि उस कॉलेज में ऐसा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ तो प्रोवाइड होगा तभी वो नंबर वन होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी आपको पता चले कि भाई ये चीजें आपके लिए टॉप में है तो उसके बारे में रिसर्च करो कि ऐसा क्यों है। आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो रीजन पता होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट आपको ये पता चलेगा कि भाई ये बाकी कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छी दे रहा है या इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट और भी अच्छी है और बाकी कॉलेज से एवरेज प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है या इस कॉलेज का रिसर्च साइट अच्छा है कि इसके बाद मेरा रिसर्च में करियर अच्छा बन सकता है और या इसके बाद मेरा जॉब फील्ड में करियर अच्छा बन सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा बट अगर आप टाइम लगाओगे तो आप अपने लिए ही टाइम लगा रहे हो, आपको कुछ पता चलेगा और जो कि आपके एडमिशन के लिए बहुत सारे बेनिफिट रहेगा। अब समझते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, फीस। आपको रिसर्च क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको फीस तो आपको जमा करनी पड़ेगी आपके एडमिशन के लिए। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे कोर्स में या कॉलेज में जिसमें भी मेरा एडमिशन हो थोड़ा बहुत मेरे को फीस का आइडिया मिल सके कि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं कि इतने से इतने रेंज के बीच मेरी फीस होने वाली है तो उनके लिए भी कोई बर्डन ना हो और आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि मेरा एडमिशन के टाइम तक इतनी कॉलेज की फीस रहे। और हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, डायरेक्ट गूगल पे जाके ये मत लिख देना कि रामजस कॉलेज फीस। आपको बहुत सारे मिल तो जाएंगे बट वो एक्चुअलिटी में नहीं होती, किसी किसी की हाई होती है, किसी किसी रियल में कमी होती है, तो ऐसे नहीं होगी। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आप कॉलेज का देखोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, डायरेक्टली उनके वेबसाइट में ही मिल जाएगी मेंशन फी स्ट्रक्चर करके। वहाँ से जो भी उनकी ऑफिशियल होगी उसको एक बार कंसिडर करना। ऐसे नहीं कि आपने बस गूगल किया तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, वो ज़्यादातर तो एक्यूरेट नहीं होती है, कभी कभी एक्यूरेट होती है बट मोस्टली टाइम गलती होती है। तो प्लीज़ आप करना, अच्छे से रिसर्च करना। पर इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरी इतनी फीस है तो आप अपने घर में भी बता सकोगे और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मेरे को इस कैंपस के लिए इतनी फीस लग रही है या दूसरे कैंपस में मेरे को कम फीस लग रही है। और ये भी पता चलेगा सेम कोर्स के लिए मेरे को इस कॉलेज में तो कम फीस लग रही है बट अगर मैं दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज में जा रहा हूँ तो इसमें सेम कोर्स के लिए मतलब डबल फीस लग रही है। तो कोर्स के अलावा भी कॉलेज की फीस बढ़ जाती है, कोर्स तो आपका सेम रहेगा तो आपको लगेगा कहीं तो 20,000 में काम हो जा रहा है बट दूसरे कॉलेज में आप अगर जा रहे हो, अगर वो कॉलेज थोड़ा सा भी मतलब ऐसा है तो उसकी फीस हो सकती है आपको 40,000 भी देखने को मिल जाएगी सेम कोर्स के लिए। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे को कौन से कोर्स के लिए कौन सी फीस लग रही है, मतलब कौन से कॉलेज के लिए कौन सी फीस लग रही है। तो आपको थोड़ा बहुत आपका आइडिया मिल जाएगा। कब आइडिया मिलेगा, जब आप रिसर्च करोगे। अगर आप रिसर्च ही नहीं करोगे तो मतलब आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि भाई सभी की फीस एक जैसी है। ऑलमोस्ट कोर्सेज की फीस ऐसे सिमिलर रेंजेस में होती है कि हाँ 20-25 के हो जाती है बट कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट समझते हैं जो कि आपको फेज टू में फॉलो करना है, हमारा प्रेफरेंस। अब आपको क्या करना है, अपने कॉलेज कोर्सेज के साथ ध्यान रखनी है प्रेफरेंस का भी। थोड़ा थोड़ा आपको प्रेफरेंस के ऊपर भी रिसर्च करनी है कि प्रेफरेंस कैसे बनती है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आपको मैं धीरे धीरे बता ही दूंगा कि आपको प्रेफरेंस बनती कैसे। बट अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपके एट द एंड 20-25 दिन में एक बहुत अच्छी प्रेफरेंस बन जाएगी अपने ही अकॉर्डिंग। तो आपको अपने प्रेफरेंस पे रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टॉप टॉप के पीछे भाग रहे हो, मतलब टॉप कॉलेज टॉप कोर्स के पीछे भाग रहे हो तो ऐसा होगा। बट आपको करना क्या है, जितने आपके रास्ते हैं उनको सबको मैक्सिमाइज करना है कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सके। तो आपको इस टाइम में बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, अगर धीरे धीरे भी इन पे रिसर्च करोगे तो आपके पास 20-25 दिन है आराम से, उन सब के ऊपर अच्छे से रिसर्च करो, आपकी एक अच्छे से प्रेफरेंस सीट टाइम के साथ रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, अगर आपका स्कोर आपको ऐसा लग रहा है कम है नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका स्कोर कम है वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन हो पाता है नहीं हो पाता है। अगर बहुत कम है तो आपको ऐसा लग रहा है एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो आपका सोल्यूशन भी आपके सामने आ रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमारा अल्टरनेटिव। तो आपको इसी टाइम के दौरान आपको अपने अल्टरनेटिव के ऊपर भी रिसर्च करने की, इसके अलावा भी कुछ बेस्ट चीज़ें हैं, जरूरी कि आपको इसी में आपको बेस्ट मिले, उसके अलावा भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। बट अगर आप उनके ऊपर रिसर्च करोगे, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे और पता करोगे हाँ ये भी तो अच्छी है, सेम चीज़ मेरे को प्रोवाइड कर रही है, तो इसी के पीछे क्यों भागना जबकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छा है। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स सही लगे होंगे और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग ही होगी डेली टॉपिक से, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक समझते हैं, बट आज की थोड़ी सी वीडियो अलग होगी। और मेरे को ये बोलना है कि भाई प्लीज़ इन पॉइंट्स को ऐसे नहीं सिर्फ सुन के निकाल दो, प्लीज़ इनके ऊपर जो अपने पॉइंट्स देखें नोट डाउन कर लेना, भले ही नोट डाउन ना करो तो प्लीज़ एटलीस्ट एक बार इनके ऊपर अच्छे से, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपके लिए ऐसा थ्रिल काम ही हो जाएगा कि भाई अब तो आपके पास कोई काम नहीं है, एग्जाम नहीं है,
तो आपको बस एडमिशन के ऊपर ध्यान देना है। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा डेली टास्क हो जाएगा, कुछ खुद से ही बिजी हो जाओगे कि मेरे को इन सब के बारे में रिसर्च करना है। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को ऐसे नहीं सुन के बस एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, तो बस इनके ऊपर काम भी करना, फिर आपको खुद को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और खुद को बाद में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो प्लीज इनके ऊपर सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करना। और वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मैं चाहता हूँ इन स्टेप्स को आप सुने ही ना बल्कि फॉलो भी करें।